जीवात्मा का मृत्यु के बाद में क्या होता है? जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो कहीं जाता है या कहाँ जाता है, कैसे जाता है? ये प्रश्न अनेक प्रकार के व्यक्ति के मन में आते हैं और गरुड़ पुराण में भी इसके बारे में समझाया गया है, जो उसके आरंभिक अध्याय हैं, कि मृत्यु के बाद में पहले यमदूत आते हैं, उसे नरक में ले जाते हैं, उसे भूखा प्यासा रखते हैं, फिर उसे पीटते हैं, उसे अनेक प्रकार के नरक के कुंड में डालते हैं। फिर उसके बाद में अगर वो पापी नहीं, अगर पुण्य वाला है, पुण्य कर्म किए हैं, तो वो उसको स्वर्ग में देवदूत ले जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े महलों में रखते हैं। ये भ्रांति, मतलब ये इस प्रकार से जिज्ञासा रहती है प्रत्येक के मन में। लेकिन सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, वो जो कि उसका क्या क्या स्वरूप है? चेतन, चैतन्य स्वरूप है। जो कुछ भी चैतन्यता आपको अनुभव में आ रही है, चाहे शरीर से अनुभव में आ रही है, गर्मी लग रही है तो कोई चैतन्य है, जिसके 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 अवेयरनेस में, जिसकी जागृति में आपको गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या आंखों से विभिन्न प्रकार का, पांच इंद्रियों से विभिन्न प्रकार का अनुभव हो रहा है, मन से विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, और बुद्धि से अनेक प्रकार के विचार उन्नत या निम्न उत्पन्न हो रहे हैं, इनके पीछे कौन है? वो आपका, वो चैतन्य है, वही जीवात्मा है। अगर वो चैतन्य है तो अमल है, उस पर किसी भी प्रकार से कोई भी दाग नहीं लगता है। जैसे आकाश में बादलों का, आकाश को बादलों से कोई भी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, सूरज को विभिन्न प्रकार के बिंबों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अमल है उनसे। सुख राशि और सहज, वो सहज में वो प्राप्त है, अप्राप्त तो उसकी है ही नहीं। सुख राशि और वो सुख का पुंज है, और वही उसी परमात्मा का जो जीवात्मा अंश है, जबकि परमात्मा तो उसका अजन्मा है, अर्थात परमात्मा जन्म और मृत्यु लेने की प्रक्रिया में नहीं आता, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, आकाश का कहां जन्म होगा। किंतु जीवात्मा मन से युक्त होकर के, अंतकरण से युक्त होकर के, उससे संलग्न होकर के, एक भ्रांति के कारण है, भ्रांति के कारण उससे संलग्न होकर के वो अनुभव करता है कि मेरी, मेरा जन्म भी हो रहा है, मेरी मृत्यु भी हो रही है। और जैसे कि अगर एक घड़े में पानी है, तो जब उस घड़े का पानी दूसरे बर्तन में जाता है या डाल दिया जाता है, चाहे जबरदस्ती, चाहे अपने आप, चाहे पहले या बाद में, तो वो जो बिंब उसका है, वो बिंब भी साथ में दूसरे घड़े में, घड़े वाले पानी में चले जाता है। लेकिन जो रियलिटी है, जो वास्तविक, जो सूरज है, वो उन्हें कहीं आना है, उसका न कहीं जाना है। इसी प्रकार जीवात्मा या पुरुष, आप उसको जीवात्मा कहें या पुरुष कहें, वो भी एक मन से दूसरे मन में निरंतर जाते रहता है। कहने का तात्पर्य, जब एक मन के, मन क्या, कर्मों का ढेर है, जब वो कर्मों के ढेर उस शरीर में समाप्त हो जाते हैं और जीवात्मा को उन कर्मों से अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी अब उन्नति नहीं हो सकती है। उन्नति किस मामले में? कि मैं उस सूरज को पालूं, जैसे घरे का सूरज कह रहा है कि मैं उस सूरज को पालूं, इसी प्रकार से जब भी जन्म होता है तो जन्म लेने का कारण यही है कि उसकी उन्नति हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है, चाहे उसकी योनियों में योनियां छोटी मिल जाए, वृक्ष की मिल जाए, या उच्च योनि मिल जाए, या वो सुखी परिवार में रहे या दुखी परिवार में रहे, धनी परिवार में रहे या निर्धन परिवार में रहे, जहां भी वो जाता है वो केवल उन्नति करने के लिए जाता है।
जैसे कि बिंब घूमते रहता है उसी प्रकार से जीवात्मा भी विभिन्न प्रकार के मनों के अनुसार में अलग अलग योनियों में घूमते रहता है। वास्तव में यह उसका घूमना नहीं है, ये प्रतीकात्मक रूप से है। जैसे कि पहले समय में जब पहले पहले रेडियो चला था या टीवी चला था ना, तो उस समय में जिसने पहली बार टीवी देखा होगा, जिसको उसके बारे में कोई भी अता पता नहीं है, उसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, तो या बालक को उसको यह अनुभव होता है कि इस रेडियो के भीतर या टेलीविजन के भीतर ये जो इसमें बोल रहा है इसके अंदर चले गया है, तब बोल रहा है। और बालक तो कभी कभी उसके दाएं बाएं घूमता है, उस जो आपका टीवी या रेडियो है, कि आखिर कहां बैठा हुआ है। और जब रेडियो या टीवी बंद हो जाता है या खराब हो जाता है, तो फिर उसके बाद में अगर वहां पर दूसरा टीवी रख दिया जाए या दूसरा रेडियो रख दिया जाए या दूसरा मोबाइल रख दिया जाए, तो फिर वही का वही क्रम चल जाता है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा जब उसका एक एक सेट अगर उसके काम में नहीं आता है तो उसको बदल देता है, वो आता जाता कहीं नहीं है। ऐसे ही जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में मृत्यु के बाद में आते जाते रहते हैं। और जीवात्मा भौतिक रूप से अपने वो कार्यरत नहीं होता है, वो मानसिक रूप से अपने कार्यरत रहता है। जो उसकी विभिन्न वासनाएं हैं उन वासनाओं के कारण में वो भीतर से अपना सक्रिय रहता है, जबकि वो जीवित अवस्था में भी अगर शरीर भी है तब भी वो भौतिक अवस्था से उसका वो सक्रिय नहीं रहता है। भौतिक अवस्था से सक्रिय रहने के लिए उसको एक मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, नर्वस सिस्टम की आवश्यकता होती है। ये उसके भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाकलाप है भौतिक जगत की, उसके उन्नति के लिए उसके ये माध्यम बने रहते हैं, जिससे कि वो अपने अनुभव कर सके, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, ये मेरा जाति है, और ये मेरा कार्य है, मैं इस जगह रहता हूं। तो वो अपने मस्तिष्क से इस प्रकार के अनुभव को उसके अनुभव में आता है। लेकिन जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसको एनेस्थीसिया लगाया जाता है, या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि बेहोश हो जाता है, या वो नींद में चले जाता है, सो जाता है, उस समय उसका जो मस्तिष्क है, जो भौतिक जगत को के साथ में संपर्क हो रहा था, जिसके कारण में वो अभी संपर्क टूट जाता है, बेहोशी में हो गया, नींद में हो गया, मतलब सपने में हो गया या नींद में भी हो गया, ये एक प्रकार से ये मृत्यु की झलक दिखा रखी है। मृत्यु में क्योंकि जीवात्मा अपने पांच कोशों में बंद रहता है, अन्नमय कोश हो गया, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश, क्रम आगे पीछे हो सकता है, या तीन शरीर हो गए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जागृत अवस्था में वो स्थूल शरीर से संलग्न रहता है, लेकिन जब मृत्यु होती है उस समय में उसका संपर्क भौतिक शरीर से या स्थूल शरीर से टूट जाता है, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिसमें कि पांच इंद्रियां भी हैं, सूक्ष्म मन भी है, बुद्धि भी है, और जन्म जन्मांतर की जो वासनाएं हैं वो विद्यमान हैं बीज के रूप में वो, और साथ में जीवात्मा जिस प्रकार से वो जागृत अवस्था में अनुभव कर रहा होता है, उसी प्रकार से वो सूक्ष्म शरीर में भी अनुभव करता है, चाहे वो नींद में हो, चाहे मूर्छा में हो, चाहे वो मृत्यु के बाद में हो। और इसके बाद में उसका अब दैनिक जीवन के वास्तविकता का अभाव होने लग जाता है, और जो उसका अनुभव यहां पर हो रहा है जागृत अवस्था में वही उसके बाद में उसको उधर भी होता है, जैसे स्वप्न में होता है। यूं कहा जाए कि
जब प्रारब्ध कर्म इस शरीर के समाप्त होने लग जाते हैं तो प्राणों का प्रभाव बहना बंद हो जाता है इस शरीर के माध्यम से, क्योंकि जीवात्मा को अब ये ज्ञात हो जाता है कि अब ये शरीर मेरे काम का नहीं है। या तो उसको ठोकर मार देगा, झटका लगा देगा, या शांति से इसका त्याग कर देगा, कारण चाहे किसी भी कैसे भी हो, लेकिन वो अब इस शरीर से मैं अपनी उन्नति जब नहीं देखता है तो प्राणों के प्रभाव को खींच लेता है, प्राणों का प्रभाव बंद हो जाता है शरीर में, वो भी प्रारब्ध कर्म के माध्यम से। जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक प्राणों का प्रभाव रहेगा, और प्राणों का प्रभाव कब नहीं रहेगा, जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएंगे। जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएंगे तो प्राण काम बंद कर देंगे, तो प्राण ही एक प्रकार की चैतन्यता है, तो शरीर की चैतन्यता रुक जाती है और वो अपने मस्तिष्क से और नर्वस सिस्टम से कार्य करना बंद कर देता है। अब कहां गया कि माना उसकी मृत्यु होगी तो कहां गया, वो गया कहीं नहीं है, लेकिन जो उसने जो उसकी मानसिकता है, जो मन के उसके विभिन्न प्रकार के उसके जो बीज हैं, संस्कार हैं, उनके अनुसार में उसको अनुभव होता है कि मैं या तो नरक में चले गया हूं, या मैं स्वर्ग में चले गया हूं, या मैं किसी और घर में चले गया हूं। इसका जो कारण है कि क्या ये नरक और स्वर्ग सत्य हैं, वास्तविक हैं या मिथ्या हैं, अगर हिंदू धर्म वाला अगर वो अगर थोड़ा सा धार्मिक होगा कहेगा कि हाँ ये सत्य है, जो थोड़ा सा नास्तिक किस्म का होगा बोलेगा ये सब बकवास है। दूसरे धर्म वाले बोलेंगे नहीं, वो इधर जाते हैं या इधर जाते हैं। अलग अलग धर्मों के अनुसार में, चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे वो क्रिश्चियन का हो, तो वो अलग अलग धर्मों के अनुसार में वो अलग अलग अनुभव जो करते हैं, वो तो ना वास्तव में मिथ्या है, ना वास्तविक है, ना सत्य है, ना असत्य है। किंतु जैसा अपने धर्म के अनुसार में उसने जो मानसिकता को पकड़ रखा है, जो भी उसने मृत्यु के बाद में स्वर्ग या नरक की उसने कल्पना की है, रचना कर रखी है उसने अपने मन के अनुसार में। शरीर तो आपकी कल्पना करता नहीं है, न रचना करता है, सब मन का खेल है, और मन आपका साथ में जाता है, मन तो छूटता ही नहीं है, उसकी तो मृत्यु होती नहीं है। उसी के अनुसार में उसे अब स्वर्ग का अनुभव अपने अपनी रचना के अनुसार में होगा, चाहे वो स्वर्ग का अनुभव करे चाहे वो नरक का अनुभव करे। अगर उसे ये माने कि शरीर की मृत्यु के बाद में यमदूत आते हैं तो मुझे ले जाते हैं और खींचते हैं और अनेक प्रकार की ताड़ना देते हैं, तो जो कर्म है वही कर्म उसके यमदूत का रूप बन कर करके और नरक का रूप बन करके उसको ऐसा अनुभव होने लग जाता है। स्वप्न में आप जब देखते हैं, सपने में जब आप देखते हैं तो स्वप्न पूर्ण रूप से सत्य है, असत्य नहीं है। लेकिन जब जैसे सपना टूटता है तो तब ज्ञात होता है कि यह सपना था, यह असत्य है। इसी प्रकार से नर्क और स्वर्ग की जो विभिन्न धर्मों के अनुसार में उनकी अपनी अपनी जो कल्पनाएं हैं, वो वास्तव में उनके मानसिकता के अनुसार में उस समय में सत्य होती जब वहां उसका अनुभव करते हैं। और जब तक व्यक्ति इस प्रकार के अनुभव में लिप्त रहेगा, व्यक्ति का तात्पर्य जब तक जीवात्मा जो लिंग शरीर है या जीव है, वो जब तक इस मानसिकता से लिप्त रहेगा, इसे पकड़े रहेगा, इसे आइडेंटिफाई रहेगा, तब तक वो निरंतर जन्म और मृत्यु के तथाकथित रूप से जन्म और मृत्यु के रूप में भटकते रहेगा। इसीलिए उसको विभिन्न प्रकार के जन्म लेकर के उसमें उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव में रह कर करके वो प्रयोग करता है, प्रयोगशाला है। ये जो भौतिक शरीर है और ये जो पूरा संसार है, ये प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में उसको फिर बाद में जब वो प्रयोग करता है और निष्कर्ष निकालता है कि मुझे अब इस मन से संलग्न नहीं रहना चाहिए, ये प्रयोग किसके माध्यम से होगा, उसको साधना के मार्ग को पकड़ना पड़ेगा। साधना के मार्ग को उसने पकड़ा तो प्रयोग उसका
उचित मार्ग में जाएगा, नहीं तो मार्ग अगर प्रयोग अगर गलत हो रहा है तो अनुचित मार्ग में जाएगा, निष्कर्ष गलत निकालेगा वो। अगर प्रॉपर वे में जा रहा है तो वो फिर धीरे धीरे अपने, जैसे कि वो जल में जो पानी का बिंब बना हुआ है, सूरज का बिंब, जैसे कि अगर उसको सूरज से एक संदेश आ गया, भाई तुम इस घड़े में सीमित नहीं हो, तुम क्यों इसमें दुखी हो रहे हो, क्यों तुम बार बार अपने इन घड़ों को बदल रहे हो, जो तुम्हारा असली स्वरूप है वो तो तुम मेरी ओर देखो। ये जब इसके माध्यम से जब अप्रयोग करता है तो फिर वो धीरे धीरे उस जल में से हटने का प्रयत्न करता है, हटने का प्रयत्न कि अब वो उस जल में रह करके भी वहीं से अब वो उसको पकड़ने का प्रयत्न करता है। उसे पकड़ने का मतलब, सूरज को पकड़ने का मतलब कि अब वो उस मन पर या उस शरीर पर, घड़े पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहता है, और धीरे धीरे जब उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है तो वो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और वो परमात्मा परमात्ममय हो जाता है।